मेरी अच्छी अलिफ पे पे। अलिफ मद आ आदम। सबसे पहला इंसान आदम यानी तमाम इंसानों के अब्बू जी। अलिफ अल्लाह। अल्लाह एक है जिसमें इंसान, फूल, पौधे, रंग और तमाम दुनिया बनाई। अलिफ मद आ आम। अलिफ मद आ आलू बुखारे। अलिफ मद आ आड़ू। आड़ू का कौन सा रंग है बताइए तो, भला कितने आलू बुखारे रखे हैं? अच्छा ये तो बताइए, दरख्त पर कितने आम हैं? क्या आपको आम पसंद है? ये तो बताइए, आम का जायका कैसा है? मीठा? बहुत मीठा। अलिफ उस्ताद। अलिफ अम्मी। अलिफ अब्बू। क्या आप अपने उस्ताद, अम्मी और अब्बू से प्यार करते हैं? कौन कौन बच्चा करता है? प्यार कैसे करते हैं? उनका ख्याल रखकर और कहना मानकर। बे ब बतख। क्वैक क्वैक। ब बंदर। क्वैक क्वैक। ब बकरी। बी से एक और जानवर बनता है जो यहाँ नहीं, बूझिए तो क्या है? उसकी आवाज बताऊं? म्याऊ म्याऊ। पे प पत्ते। प्यारे प्यारे पत्ते। प पौधा। प पानी। प परिंदा। प पिंजरा। अच्छे बच्चे तो परिंदों से प्यार करते हैं और इन्हें पिंजरे में बंद नहीं करते, ना ही परिंदों को तंग करते हैं। क्या आप परिंदों को दाना डालते हैं? जैसे हमें प्यास लगती है वैसे पौधों को भी प्यास लगती है। क्या आप पौधों को पानी डालते हैं? कौन कौन बच्चा पानी डालता है? ते तल तलवार। त तीर। त तिनके। देखिए तो किस तरह लाइन की तरह बिल्कुल सीधे हैं। चे च चौफिया। च टमाटर। च चोकरी। टमाटर सेहत बख्श खुराक है और टॉफियां गैर सेहत बख्श। ज्यादा टॉफियां खाने और दांत साफ ना करने से दांत खराब हो जाते हैं और पेट में दर्द भी होता है। से स सवाब। स समर। स साबित। सवाब क्या होता है? अच्छे काम करने से अल्लाह खुश होता है, इसे सवाब कहते हैं। जैसे अपने गरीब साथियों की मदद करना, अपने दोस्तों का साथ देना, अपने माँ बाप की खिदमत करना। ज जीप। ज जहाज। ज जुगनू। जुगनू खुद उड़ता है और जहाज पायलट उड़ाता है। जीप
जमीन पे चलती है और जहाज आसमानों में। चे च चीता, चे च चूहा, चे च चिड़िया, च चमगादड़। चमगादड़ कब आती है? रात को। और चिड़िया? सुबह सुबह। अच्छा ये बताइए, चीता तेज भागता है या चूहा? चीता। शाबाश। चीता बड़ा है या चूहा? सारी बात है, चीता बड़ा है, चूहा तो छोटा सा है। हे ह हकीम, हे ह हजाम, ह हलवाई। हलवाई क्या करता है? मिठाइयां बनाता है। हजाम क्या करता है? हमारे बाल काटता है। और हकीम साहेब हमें दवाइयां देते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? खे ख खत, खे ख खबर, ख खुश। आप कैसी खबर सुनकर खुश होते हैं? मैं बताऊं? जैसा कि स्कूल से छुट्टी हो गई तो आप क्या हुए? खुश। अम्मी ने अच्छी अच्छी चीजें दिलाई तो क्या हुए? खुश। और आपके मामू आ रहे हैं, आपकी खाला आ रही है, ये क्या हुई? खबर। दाल द दांत, द दिल, द दिमाग। अल्लाह को याद करने से दिल और दिमाग खुश होते हैं और हम खुश रहते हैं। नाश्ते के बाद और सोने से पहले दांत जरूर साफ करने चाहिए, नहीं तो ना नजर आने वाले छोटे छोटे से कीड़े हमारे दांतों को काटते हैं। डाल ड डाकिया, डाल ड डॉक्टर, ड डिजाइनर। डाकिया क्या करता है? खत लाता है। डॉक्टर बीमारों का इलाज करता है और डिजाइनर मजे मजे की तस्वीरें बनाता है और डिजाइनिंग करता है। आप बड़े होकर क्या बनेंगे? डॉक्टर? क्या कहा? डिजाइनर? तो फिर इसके लिए क्या आप खूब मेहनत करके पढ़ेंगे? शाबाश। दाल व जखीरा, बहुत सी चीजों को जमा करना, जखीरा। व जर्रात, छोटे छोटे जर्रात। व जहन, जहन से हम सोचते हैं। आपके जहन में इस वक्त क्या है? रे र रास्ता, चुक 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 चुक। र रेलगाड़ी, र रोशनी, रोशनी चांद से भी और रोशनी लालटेन से भी। रे 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 से कोई लफ्ज नहीं शुरू होता, बल्कि ये अल्फाज के दरमियान में इस्तेमाल होता है, जैसे कि जड़, पहाड़, घोड़ा। से जुबान, से ज़ेब्रा, ज़राफा। देखिए तो गौर करें, इन तमाम जानवरों की शक्लें और हरकतें और बातें एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ हैं। और देखिए ज़ेब्रा के जिस्म पर क्या बना है?
लाइनें धारियां बनी हैं और जराफा के जिस्म पे छोटे छोटे से डिब्बे बने हैं। इनके रंग बताइए तो शी श यालाबारी। आपको पता है यालाबारी क्या होती है? हाँ, जब बहुत जोर की बारिश होती है, बर्फ गिरती है, आपको डर लगता है? जब बहुत जोर की बारिश होती है और बर्फ गिरती है, यालाबारी। आपको कौन सा मौसम पसंद है? सीन स सेब, स सूरज, स सब्ज, स स्लेट। देखिए तो सेब की कौन सी शक्ल है? दायरा, गोल। सूरज भी गोल। और ये सब्ज रंग की क्या बनी है? तिकोन। और स्लेट क्या है बुझिए तो? जिसको आप रेक्टेंगल कहते हैं। क्या है ये? मुस्ततील। अच्छा, स्लेट के अंदर का रंग कौन सा है? स्याह। तिकोन का रंग सब्ज, सेब का रंग सुर्ख और सूरज का रंग सुनहरा, सुनहरा। शीन श शहद। शहद कौन बनाता है? श शहद की मक्खी। श शेर। शुतुरमुर्ग। आपको कौन सा जानवर पसंद है और कौन सा परिंदा पसंद है? बताइए तो शुतुरमुर्ग की गर्दन लंबी है या के शेर की? शहद की मक्खी उड़ सकती है। क्या शेर उड़ सकता है? नहीं तो वो कहाँ उड़ सकता है? शेर जंगल का बादशाह है, मगर उड़ती तो शहद की मक्खी है। सौत, सो, सुप, सो, सफाई, स, साबुन। क्या आप सुबह सवेरे उठकर अपनी सफाई करते हैं, नहाते हैं, दांत ब्रश करते हैं, अपने कपड़े साफ रखते हैं और इर्द गिर्द की जगह साफ रखते हैं? पक्की बात है? शाबाश। ज़ात, ज़ाया। क्या आप खाने पीने की चीजें इस तरह जमीन पे फेंकते हैं और कूड़ादान में फेंकते हैं? ना ना, बहुत बुरी बात। अल्लाह का रिस्क जाया नहीं करते। ज़ईफ, ज़ईफ और कमजोर लोग, जैसे कि आपके दादा नाना वगैरह, क्या आप उनको वक्त देते हैं और उनकी मदद करते हैं? शाबाश। तुई, त, तोता, त, तैयारा, त, तालिबिल्म। तोता खुद उड़ता है और तैयारा पायलट उड़ाता है। क्या आप पढ़ लिख कर पायलट बनेंगे? अच्छे तालिबिल्म मेहनत और शौक से पढ़ते हैं। क्या आप अच्छे तालिबिल्म हैं? ज़ुई, ज़ुहर। पांच नमाजों के नाम बताइए। फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा। ज़र्फ यानी बर्तन। ज़ुई, ज़ुहराना यानी दोपहर का खाना। कौन कौन बच्चा घर जाकर ज़ुहर की नमाज पढ़ता है और वक्त पर खाना भी खाता है? आइन, अ, ईद, अ, ईद का।
पर तो मजे मजे की ईदी मिलती है और सुबह सुबह ईदगाह में नमाज के लिए जाते हैं। ईद मुसलमानों की खुशी है। गाइम ग गार ग गुलेल ग गालीचा ग गुबारे। क्या आप सब मिलकर खेलते हैं और खूब लुत्फ उठाते हैं? शाबाश। फे फ फाख्ता, फ फौज, फ फौजी। फौज हमारी हिफाजत करती है। कौन कौन बच्चा पढ़ लिख कर फौजी बनेगा बताइए तो? शाबाश। फौज बहुत अच्छी होती है। फौज हमारी हिफाजत करती है। काफ क कुरान, क किबला, किबला रुख हम नमाज पढ़ते हैं। क कलम, काफ क किताब, क कागज, क कापी, क कंप्यूटर। हमें अपनी कापियों और किताबों की हिफाजत करनी चाहिए, इन्हें फाड़ना नहीं चाहिए और ना ही गंदा करना चाहिए। क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? गाफ ग गुलहरी, ग गाय, ग गधा। गधा क्या काम करता है? बोझ उठाता है। गाय क्या करती है? गाय दूध देती है। सबसे ज्यादा तेज कौन भागता है, गाय गधा या गुलहरी बताइए तो? लाम ल लड़के, ल ल लट्टू, ल लटे। लड़का लड़के, लट्टू लट्टू, लोटा लोटे। मीम मस्जिद, मीनार, मुअज्जिन। मुअज्जिन कौन होता है? जो मस्जिद में अजान देता है। हमें मस्जिद का एहतराम करना चाहिए, हमें मस्जिद का एहतराम करना चाहिए। मस्जिद जाकर शोर नहीं मचाना चाहिए और अजान का एहतराम करना चाहिए। कैसे? जब अजान हो तो हमें खामोश हो जाना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। अजान क्यों दी जाती है? नून न नाशपाती, न नारंगी, न नारियल। आपको कौन सा फल पसंद है? वाव वुजू, व वर्जिश, व वक्त। क्या आपको वजू करना आता है? सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश बहुत जरूरी है। क्या आप वक्त की पाबंदी करते हैं? हर चीज अपने वक्त पे करते हैं, जैसे कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और तैयार होकर वक्त पर स्कूल पहुंचना। हे ह हाथी, हे ह हरन, ह हुदहुद। देखिए हरन के सर पर क्या है? सींग। हाथी की लंबी सी सूंड है और लंबे लंबे दांत हैं। और हुदहुद, हुदहुद के सर पर एक ताज है और एक लंबी सी चोंच। हमजा, हमजा से भी कोई लफ्ज नहीं बनता मगर ये अल्फाज के दरमियान में आता है, बिल्कुल ड़ की तरह। जैसे आईना, आइसक्रीम, इकरा, ये, यादगार, ये, यारब। यारब हमारे पाकिस्तान की हिफाजत कर, आमीन। बढ़िए, ये अल्फाज की सौत यानी अदायगी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यक्के, मेरे, तेरे।
मेरे अपने।